बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ मियाँ शफीक, आपका टीचर और द बेस्ट सेलिंग बुक जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आथर। हम आज शुरू करेंगे सेल होता क्या है और सेल की फीचर्स क्या हैं, सेल के अंदर क्या कुछ होता है। बड़ा इजी टॉपिक है, डायग्राम से ड्रॉ करके इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। सबसे पहले सेल डिस्कवर कैसे हुआ, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। वो कॉक, वुड नहीं होती कॉक, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था, तो व्हाट ही सॉ कि उसने ऐसे कुछ खाने से बने देखे कॉक के नीचे। अब ये जो क्लोज से जो सेक्शंस होते हैं, जिस तरह काल कोठड़ी होती है जेल के अंदर, जिसको हम सेल या सेल टॉर्चर का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, तो उसने ये जो क्लोज से खाने से देखे, ही कॉल देम सेल। यार ये तो इसके अंदर छोटे छोटे खाने हैं, क्लोज्ड रूम्स हैं डिफरेंट शेप्स के, तो यहाँ से जो वर्ड है आपका सेल वहाँ से निकला। फिर उसके बाद जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया कि जो सेल है वो अंदर से खाली नहीं है, बल्कि सेल के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस। फिर उसके बाद श्लीडन और श्वान, मैथियस श्लीडन एंड श्वान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक थ्योरी पेश की कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड सेल थ्योरी। इस थ्योरी का पर्पज ये था कि एवरी लिविंग बींग, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, पौधे हैं, चूहे है, बिल्ली है, कुछ भी है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड सेल थ्योरी। ये तो आपका एक बेसिक सा हो गया कि जो सेल है वो क्या है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये आपका सेल का बेसिक बैकग्राउंड हो गया। अब है कि जब हम सेल की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं इन शेप, और इवन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी उसके जो सेल्स हैं उनका शेप या स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। बस से फॉर एग्जांपल पहले तो बात कर लें हम कि सेल की बेसिस पे ही हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं डिफरेंट में। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, और कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल, पूरे का पूरा जानदार जो है, पूरे का पूरा जानदार वो एक सेल पे मुश्तमिल है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल्स बेशबहा हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है, पैरामीशियम, यूगलीना, अमीबा, ये आपने 9, 10, 7, 8 की किताबों के अंदर ये नाम पढ़े हुए होंगे, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है। मल्टीसेलुलर जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, जिस तरह के ह्यूमन बीइंग है ये मल्टीसेलुलर है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, सारे के सारे ये आपके क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। फिर इसी तरह से जो सेल है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ये क्या चीज़ है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, जनाब प्रो मीन बिफोर, प्रो मीन बिफोर एंड कैरी ऑन, लफ्ज़ है कैरी ऑन, कैरी ऑन जो है इस लफ्ज़ का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रो मीन बिफोर मतलब कि न्यूक्लियस के बनने से पहले वाला सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, ये कोई एक सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर डीएनए वगैरह और बाकी चीज़ें मौजूद हैं बट इट हैज़ नो न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। इसकी एग्जांपल क्या है, अगेन बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया इज़ प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि जो न्यूक्लियर मटीरियल है डीएनए जो है वो सस्पेंडेड होता है सेल के अंदर, लूज फॉर्म में ओपन ही पड़ा हुआ होता है। यूकैरियोटिक क्या है, यू लफ्ज़ों के आप रूट और प्रीफिक्स को अगर आप उसके मीनिंग आपको समझ आ जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, यू मीन ट्रू, कैरी ऑन अगेन मैंने क्या बताया था न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, सो दैट वुड बी कॉल्ड
यूकेरियोटिक सेल्स, जिसकी एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे जो हैं आपके यूकेरियोट्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूकेरियोट्स। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ पे ही एक मैं छोटी सी आपको बात बताता जाऊँ जो कि इससे रेलिवेंट है, तो रिलेटेड यहाँ पे नहीं है। वायरस, वायरस को हम सेल में क्लासिफाई नहीं करते। वायरस इज नॉट अ लिविंग बीइंग, बल्कि इस पे अभी भी डिबेट चलती है कि इज वायरस इज अ लिविंग बीइंग और अ नॉन लिविंग बीइंग, क्योंकि वायरस जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही खूबी है कि वो रेप्लीकेट कर सकते हैं। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस भी नहीं हम कहते, क्योंकि उसकी अपनी सलाहियत नहीं है वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सके। वो किसी सेल पे इन्हसार करता है। कोई भी वायरस है, वो पोलियो वायरस है, वो कोरोना वायरस है, वो सार्स वायरस है, वो जब इंसान के सेल के अंदर या जानवर के सेल के अंदर जाके दाखिल होता है तो वो ह्यूमन सेल के डीएनए से फर्दर अपने वायरसेस बनाता है, वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो वायरस को हम सेल के अंदर क्लासिफाई नहीं करते। तो एक तो आपको ये बात क्लियर होगी सेल के रिलेटेड जो बेसिक सी आपको चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आ गया, ये तो सेल का मैंने आपको बताया था नंबर की बेसिस पे, तादाद की बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सेल का एवोल्यूशन की बेसिस पे हो गया कि इसकी बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक हो गया या यूकैरियोटिक हो गया। अब उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट जनाब कि आप सेल को उसके स्ट्रक्चर फंक्शन की बेसिस पे उसको डिफरेंट शेप्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। शेप सेल जो है वो आपका उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। एक तो पहली बात है कि जो प्लांट का जो सेल होता है वो नॉर्मली ऐसे रिजिड इन शेप होगा, उसके अगर सेल वाल होगी, ये तो पूरा हमने डिटेल में अभी पढ़ना है, आपको जस्ट एक थोड़ा सा पहले एक आइडिया दे रहा हूँ। एनिमल सेल जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं ऐसे राउंड इन शेप होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, लेकिन सारे सेल इस तरह के नहीं होते। बात हो रही है अब यहाँ पर क्या, सेल की शेप की, सब सेल की शेप एक जैसी नहीं होती। आपको पता है जो स्पर्म सेल है उसकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है, ऐसे टीएलसी होती है, ठीक है। आपको पता है जो न्यूरॉन सेल है वो जो है वो उसकी शेप डिफरेंट होती है, ऐसे उसमें एग्जॉन होता है और उसमें ये डेंड्राइट हो रूट हेयर्स होते हैं और इसमें यहाँ पे डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये न्यूरॉन सेल में आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह बैक्टीरिया के सेल की शेप डिफरेंट होती है, तो सेल की शेप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। ये एक आपका एक बेसिक सा आ गया सेल का इंट्रो। अब हम जाएंगे सेल के स्ट्रक्चर की तरफ, सेल का जो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम ये बात याद रखें, हम सिर्फ ये जो बेसिक दो टाइप्स हैं इसी पे हम रहेंगे, हम तमाम टाइप्स को नहीं पढ़ेंगे। दो के न्यूरॉन को हम आगे जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टिपिकल जो एक सेल होता है, टिपिकल एक सेल जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल, वहीं तक हमने अपने आप को महदूद करना होता है। अब आ जाए हम जनाब सेल का स्ट्रक्चर। इसमें भी एक आप बात याद रखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सेल के ऊपर तो उसमें आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका जो पेपर में जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे, एग्जामिनर कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। कीप इट इन माइंड कि आपने सेल का क्वेश्चन आ जाए, अगर चाहे दो नंबर का क्यों ना हो, आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। एंड इट डजंट टेक मच टाइम, बिल्कुल बहुत जल्दी अभी देखें मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊँगा प्लांट सेल की भी और एनिमल सेल की भी। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्लांट सेल की डायग्राम बनाने लगा हूँ। अगर मैं प्लांट सेल की डायग्राम बनाता हूँ तो प्लांट सेल में देखें सबसे पहली बात है, और यहाँ से आपको ऑर्गेनिज्म जो है अभी पहले उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन होता जाएगा, होती क्या क्या चीज़ें हैं। ये कोई भी जो सेल है उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं एक बाहर एक वॉल मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। ये इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। अच्छा जी, उसके बाद सेल के अंदर प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा सा इसके अंदर ऐसे करके वैक्यूल मौजूद होता है, वैक्यूल। मैं इसको इसके अंदर ही उसका नाम लिख देता हूँ, ये इसका वैक्यूल हो गया। फिर प्लांट के सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद होगा, ये उसका न्यूक्लियस हो गया,
फिर कुछ ऐसे बॉडी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, मैं आपको ऐसे शो कर देता हूँ, ऐसे एक थोड़ा सा लंबूतरी सी चीज़ बनाएं और उसके अंदर ऐसे स्प्रिंग सा बना दें। ये आपको आसानी की खातर बता रहा हूँ कि आपने डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। और इसको हम बोलेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, फिर आप ये कैसे करके ऐसे जैसे वो झूला सा नहीं होता दरख्तों के साथ लटकाया हुआ, ऐसे करके बनाएं, ठीक है। और इनके साइडों पे ऐसे थोड़े थोड़े गोल गोल से दाने से बना दें और इसको हम बोलते हैं गॉल्जी अपरेटस। डायग्राम ड्रॉ करने का फन आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके अंदर कुछ आप ऐसे राउंड से ऑब्जेक्ट्स बना दें और इसको आप बोल दें कि ये आपका प्लास्टिड्स हैं, और ओवरऑल ऐसे छोटे छोटे डॉट से लगा दें और कहीं से भी खाली जगह से लाइन खींच के लिख दें कि ये जनाब आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है वो सारे का सारा आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर आपका जो प्लांट्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, पूरे का पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऐसा नेटवर्क सा बना के और इसको आप मेंशन कर दें कि दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी भी आगे बढ़ के दो टाइप्स होती हैं, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। अभी आप यहाँ पे इतने लगे, अभी देखें ये कितनी आपको बड़ी प्यारी डायग्राम बन गई। तो डायग्राम जब भी आप बनाएं नीचे लाजमी आप लिखते हैं कि ये जो फिगर है ये आपकी क्या है, ये आपकी प्लांट सेल की डायग्राम है। ये जनाब क्लियर हो गया आपका। अब अगर आप आ जाएं, हम अभी ड्रॉ करेंगे एनिमल सेल। तो एनिमल सेल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एनिमल सेल जब हमने ड्रॉ करना है तो एक बार अपने बाई याद रखनी है कि थोड़ा इसको ऐसे राउंड कर, परफेक्ट राउंड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने लकीली ऐसा लगता है जैसे परफेक्टली राउंड बन गया है। बहरहाल अगेन इसके अंदर भी देखें, जो पहला जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे बनाई थी। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, ये इसकी क्या आ गई, सेल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। तो ये आपकी पहली सबसे इसके अंदर चीज़ आ गई। फिर इसके सेंटर में आपका क्या आ गया जी, न्यूक्लियस आ गया। ये न्यूक्लियस आ गया। अच्छा, जो न्यूक्लियस है इसके साथ अटैच्ड आपकी होती है ट्यूबुलर नेटवर्क, जो आपको वहाँ पे भी बताया था पिछले, इधर भी ट्यूबुलर नेटवर्क एक अटैच होता है। जो वो ट्यूबुलर नेटवर्क है, दैट ट्यूबुलर नेटवर्क इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ ऑफ टू टाइप। एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या होता है, रफ में उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ जो है बिल्कुल स्मूथ होती है। इनका अलग अलग हर एक का मैंने फंक्शन पढ़ना है। अभी तो सिर्फ आप इनके नाम, सिर्फ नाम से शनासाई आपकी होती जानी चाहिए, परेशान नहीं होना बिल्कुल। सिर्फ नाम से आपकी शनासाई होती जाए कि ये है क्या क्या चीज़ें। आप आपका जो प्लांट क्या कहते हैं एनिमल सेल है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये ले जनाब माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनिमल सेल है उसके अंदर भी गॉल्जी बॉडीज होते हैं। ये लें जनाब गॉल्जी अपरेटस आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, एनिमल सेल जो है उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। ये लें जनाब साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक हो गया। सेल मेम्ब्रेन तो हमने पहले बना दी। एनिमल सेल के अंदर भी कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स ऐसे आपने डिफरेंट जगहों पे दाने से बना के इसको आपने लिख देना, दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। और इसके अंदर सेंट्रियोल भी होते हैं, यहाँ पे ऐसे एक ऐसे टी शेप आपने बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रियोल। अब ये चीज़ प्लांट सेल के अंदर नहीं होती। फिर इसके अंदर लाइसोसोम्स भी होते हैं, ये भी राउंड इन शेप ही होते हैं। इसको आप देखते हैं कि ये लाइसोसोम है। तो ये आपकी ऑलमोस्ट, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन हमने क्योंकि कोई हम इस पर पीएचडी नहीं कर रहे, हमने तकरीबन इतना ही इसको हमने डिटेल में जाना है। ये आपकी एक बेसिक डायग्राम बन गई। अच्छा, इसी डायग्राम से अगर आप देखें तो ये हमारा है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है,
आप यहाँ से डिफरेंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेपर में बात कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा ही डिफरेंस अगर आपको यहाँ पे बता दूँ तो क्लियरली देखें, एक तो शेप के अंदर देखें, ये इसकी बिल्कुल एक रिजिड शेप होती है प्लांट सेल की, एनिमल सेल की उस तरह से रिजिड शेप नहीं होती। दूसरा डिफरेंस देखें, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई सेल वॉल नहीं है। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर देखें, बहुत बड़ा सा मैंने इधर वैक्यूल बनाया है, उधर मैंने ये छोटा छोटा सा वैक्यूल बनाया, इसमें कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, अब वो बड़े सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में मौजूद होता है, सेंटर में नहीं होता। जबकि एनिमल सेल में नॉर्मली न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, सेंटर में मौजूद होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा प्लास्टिड्स, पौधों का रंग ग्रीन होता है या फूलों का रंग जो है वो सुर्ख होता है या डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो प्लास्टिड्स जो हैं वो पौधों को कलर देते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। इस तरह एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। तो दीज आर मेजर डिफरेंसेस जो कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनमें से हर एक ऑर्गेनेली पे, एक एक ऑर्गेनेली पे हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। ये तो ओवरऑल आपका एक सेल का एक इंट्रो हो गया और प्लांट और सेल, प्लांट एंड सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर आपका डिफरेंस भी हो गया। डायग्राम को देखें, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे कोई फनकारी नहीं की, आप लोगों के सामने देखें सिंपल मैं मार्कर के साथ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस, अगर आप 2-3 दफ़ा डायग्राम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक अच्छी डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, का थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।